जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दाब दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। हेठ हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित औपचारिक पूरी करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार द्वारा पिछले 3 महीने में 4800 किसानों को सबमर्सिबल पंप व 1471 किसानों को मोनोब्लॉक पंप के कनेक्शन दिए गए हैं और अगले 3 महीने से पहले 4200 किसानों को 3-स्टार मोटर के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। किसी सरकार द्वारा 6-7 महीने के दौरान इतने अधिक ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया पहले कभी नहीं की गई। बिजली मंत्री ने कहा कि यह बात गत साय जिला के विभिन्न गांवों में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। गांव जेवरा बिचपड़ी खेदड़ व कुंभक खेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान बिजली मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनके समाधान के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं व शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाएगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं, जिनके कारण आज प्रदेश के 4600 गांवों को मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बचे हुए गांवों को भी जल्द ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे लाइन लॉस को कम करने में सरकार व बिजली निगम की सहायता करें और अपने बिजली के बिल नियमित रूप से भरें। जनता के सहयोग के चलते हम प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों के सहयोग के कारण ही बिजली का लाइन लॉस 30.2% से कम होकर लगभग 17.4% के स्तर पर आ गया है। बिजली निगमों को होने वाले 34,500 करोड़ के घाटे को खत्म करके 450 करोड़ रुपये मुनाफे में लाया गया है। आज प्रदेश की जनता को पहले के मुकाबले सस्ती व अधिक बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने की 5 तारीख को जन समस्याएं सुनने के लिए हिसार के PWD विश्राम गृह आता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या या शिकायत है तो वह आकर मुझसे मिल सकता है। आम जन की समस्याओं का समाधान करवाना ही वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।